सो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। देखो तबीयत थोड़ी डाउन है, ऐसा हेडेक हो रहा है कि घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। सीरियसली मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले सलमान भाई का सॉन्ग देखा, डांस विथ मी। सबसे पहली बात तो सलमान भाई, पहले आप खुद डांस करना सीख लो, उसके बाद अपने खानदान को डांस करवाओ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितना आप एफर्ट लगा रहे हो इस सॉन्ग के अंदर अपना डांस करने में, इतना एफर्ट अगर आप मूवी में लगाओगे ना, तो कसम से मूवी अच्छी बन जाएगी। प्लीज़ यार सलमान भाई, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। और उसके जो लिरिक्स है, मतलब लिरिक्स तो है ही नहीं, लिरिक्स का तो दूर दूर से नाता ही नहीं है। पूरे के पूरे में डांस विथ मी, डांस विथ पापा, डांस विथ मम्मी, खानदान, मतलब है किसी को नहीं बख्शा आपने, सबको लपेटे में ले लिया एक एक करके, मतलब क्या ही बोलूँ। एंड उसके बाद चलो यार मेन टॉपिक पे आते हैं। मैंने रुद्रा का ट्रेलर देखा है। देखो भाई ट्रेलर जो है इसके दो ओपिनियन हो सकते हैं। पहली बात तो देखो, सबसे पहली बात तो एक तो यार रीमेक है, एंड आप सीधा से बोल सकते हो कि भाई ट्रेलर में आपको कुछ मज़ा नहीं आया, जस्ट रीजन ऑफ ट्रेलर में कुछ दिखाया ही नहीं है ये लोगों ने। आपको ट्रेलर में खाली सिर्फ और सिर्फ आपको अजय देवगन का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इन लोगों ने ट्रेलर में कुछ डाला ही नहीं है, कुछ नहीं डाला है ट्रेलर में। आपको सिर्फ अजय देवगन के ऊपर ही सारा का सारा फोकस दिया गया है। एंड ट्रेलर में लोग ने बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की है। एंड सबसे बड़ी बात तो देखो यार, अगर मैं आपको बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो देखो सबसे बड़ी बात तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि भाई आप देखो यार, आप अजय देवगन के फैन हो, लाइक अगर आप सलमान खान के हो या फिर शाहिद कपूर के हो या फिर अक्षय कुमार के हो, है ना, मतलब यार जो भी जिसका फैन है, अगर उनको मोबाइल के ऊपर उस मतलब अपने स्टार को 8-8 10-10 12 घंटे देखने का मौका मिलता है, इंजॉय करने का मौका मिलता है, तो ये बड़ी बात है। बट एटलीस्ट आप रीमेक करोगे, इसको भी रीमेक बनाओगे तो मजा नहीं आएगा, सीरियसली तो मजा नहीं आएगा। एंड इसके ट्रेलर की बात करें तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो लोगों ने ट्रेलर में कुछ दिखा ही नहीं है। एंड हमने ट्रेलर में कुछ देखा ही नहीं, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि भाई ये जो सीरीज होने वाली है ये बेकार होने वाली है। एंड ट्रेलर में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को भी मिलता है, लाइक जिस तरह से लाइटिंग आ रही है, आपको एक फील आता है सस्पेंड का, आपको एक फील आता है कि भाई मतलब क्या होगा इसके अंदर, मतलब बहुत ही ज्यादा सस्पेंड क्रिएट किया गया है ट्रेलर के अंदर। एंड अजय देवगन है तो भाई आप कुछ ना कुछ उम्मीद लगा सकते हो कि मजा आएगा। हाँ वो बात अलग है कि भाई रीमेक का थप्पा पहले लग जाता है इन सबकी, मतलब आजकल बॉलीवुड के कुछ भी चीज आती है तो। एनीवेज देखो भाई, मेरे को ठीक ठाक लगा है, अच्छा लगा है, ट्रेलर मजेदार लगा है, थोड़ा सा सस्पेंड क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एंड उसके बाद और एक चीज हमको नोटिस करने को मिलती है कि भाई इसकी रिलीज डेट अभी आई नहीं है। देखो अब कब रिलीज होती है, मतलब ये भी एक हमारे साथ खेल हो गया। देखो यार तबीयत थोड़ी ख़राब है, मतलब बोला भी नहीं जा रहा इतना, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही बोलूँ। बट ट्रेलर अच्छा लगा है मुझे, अजय देवगन है तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपका स्टार को आप मोबाइल पे 8-10 घंटे देखने को आपको मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। मेरे को ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है, आप लोग मेरे को बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा। एंड मैं वीडियो कब से बनाने वाला था, पर घंटा मेरे अंदर बोलने की भी ताकत नहीं थी, अभी भी नहीं है। एंड सलमान भाई प्लीज़ यार, जो एफर्ट आप सॉन्ग में लगा रहे हो ना, इतना मूवी में लगा देना, मूवी मजेदार बन जाएगी। सो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।